आज की वीडियो में हम आपको हिंदी में अधिक से अधिक अंक किस तरह से प्राप्त करें इसको लाने का बहुत ही आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं। और अगर आपने इस ट्रिक को आज फॉलो कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि आपने साल भर पूरी हिंदी पढ़ी, लेकिन आपने साल भर पूरा कोर्स ख़त्म किया, लेकिन आपको अब आज जो है ऐसे ट्रिक से पढ़ना है जो आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके। आप हिंदी में ऐसे प्रश्नों को पहले चॉइस करिए जो आपको हमेशा निश्चित आता ही है, जैसे हम आपको बतला रहे हैं। तो बच्चों, इंटरमीडिएट में कुल मिलाकर चार कहानी है, एक बहादुर है, पंचलाइट है, ध्रुव यात्रा है और लाठी है, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें से लाठी जो है वो हटा दिया गया है। यानी कि आपको अगर तीन कहानी याद कर लीजिए तो आपको पांच नंबर श्योर मिलना है। देखिए, खंड काव्य से भी एक प्रश्न आएगा और वह प्रश्न पांच नंबर का होता है। अब आपको करना क्या है कि आपके ज़िले में जो भी खंड काव्य चल रहा है, जैसे बलिया जिले में खंड काव्य सत्य की जीत चल रही है, तो सत्य की जीत चाहे जिस जिले में आप मौजूद हैं उस जिले में जो भी खंड काव्य हिंदी में पढ़ाया जा रहा है उसकी कथानक को संक्षेप में याद कर लीजिए, क्योंकि आपको दो तरह के प्रश्न इसमें आते हैं। एक तो कथानक लिखने के लिए आएगा या उस खंड काव्य में से किसी एक का चरित्र चित्रण करने के लिए आएगा। अब होता क्या है कि चरित्र चित्रण करने के लिए किसका आ जाए तो ये तो कोई निश्चित है नहीं, इसलिए सबसे आसान तरीका ये है कि खंड काव्य के जो कथानक है उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, पांच नंबर आपका श्योर है। तो टोटल मिला के कितने हो गए? 10 नंबर। तो बच्चों, अब हम ऐसे प्रश्न की बात करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको बड़े आसानी से, बहुत ही आसानी से कम 7 नंबर मिलने वाले हैं। तो बच्चों, हिंदी के जो संस्कृत वाला खंड है उस खंड से आपको 14 नंबर कैसे प्राप्त करें, बहुत ही आसान तरीका है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि उसमें दो तरह के प्रश्न रहेंगे, एक गद्य का भी अनुवाद करने के लिए आता है और पद का भी अनुवाद करने के लिए आता है। गद्य में भी दो रहेंगे अथवा करके, और उसी तरह से पद में भी कोई दो श्लोक रहेगा अथवा करके। अब आपको गद्य वाले को भी अनुवाद करना है और पद वाले को भी अनुवाद करना है, दोनों को मिलाकर 14 नंबर बड़े आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस ट्रिक के द्वारा। वह ट्रिक ये है कि हिंदी के संस्कृत वाले खंड से आपको श्लोक सुभाष रत्नानी नामक पाठ से ही आता है, यानी कि सुभाष रत्नानी नामक पाठ में जितने भी श्लोक हैं अगर उस श्लोक का आप हिंदी में अनुवाद करना जान गए तो समझिए 7 नंबर आपका श्योर है। उस 7 नंबर में 2 नंबर संदर्भ के लिए होता है और 5 नंबर उसका अनुवाद के लिए होता है। संदर्भ में आपको कुछ नहीं लिखना है, बहुत ज़्यादा बस इतना लिखना है कि यह श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है और इस पाठ से लिया गया है, बस इतना ही सब लिखना है और उसके बाद उस श्लोक का अनुवाद कर देना है। 7 नंबर आपका श्योर है। अब हम जो है 7 नंबर जो है दूसरे जो बात करने जा रहे हैं, जैसे कि गद्य वाले में कैसे 7 नंबर प्राप्त किया जाए, तो गद्य वाले में भी वही चीज़ है कि उसका संदर्भ लिखना है कि यह हमारे किस पाठ से लिया गया है और उसका अनुवाद कर देना है। अब गद्य के लिए 2 पाठ आपको बतलाने जा रहे हैं, एक पाठ तो मालवीय जी है और दूसरा पाठ संस्कृत भाषाया महत्तम है। यानी कि अगर आपने इस 2 पाठ का केवल अनुवाद अच्छी तरह से आज अच्छी तरह से कर लिए तो समझिए कि 7 नंबर आपको इसमें भी मिलने वाले हैं। तो 7 और 7 14 नंबर ये हो गए और 10 नंबर मैंने पहले बताए, तो 10 और 14 24 नंबर तो आपको
पूरी तरह से इस ट्रिक के द्वारा क्लियर हो गया। देख लीजिएगा कि आपको इसमें से जरूर मिलेगा। तो बच्चों अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि 20 नंबर और कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 20 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका है, गद्य और पद दोनों का एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ में से प्रत्येक में गद्य में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और पद में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, और इन 5 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको उसी जो पैराग्राफ दिया गया है उसी में उसका आंसर है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, वह दिमाग ये लगा देना है कि यह किस पाठ से लिया गया है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, और 5-5 जो प्रश्न उसमें है, जैसे गद्य में भी 5 प्रश्न दिए रहेंगे नीचे और पद्य में भी 5 प्रश्न नीचे दिए रहेंगे, तो ये प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 10 प्रश्न 20 नंबर के हो गए। तो बड़े आसानी से आप 20 नंबर के प्रश्न इन्हीं जो दिया गया है पैराग्राफ उसी में से छांट कर बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों 24 नंबर वो हो गया और 20 नंबर ये, 24, 20, 44 नंबर तो आपका इस तरह से इस ट्रिक के द्वारा मैंने आपको बता दिया। पद वाले भाग में आप पवन दोतिका और कैकी का अंताप जरूर पढ़ लीजिए। पवन दोतिका में जितने भी आपको पैराग्राफ दिए हैं उसके व्याख्या को बड़े आसानी से समझ लीजिए। समझ लीजिए कि पवन दोतिका और कैकी का अंताप इन दोनों में से जरूर पद में आना चाहिए। तो बच्चों अब मैं आपको एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको 9 नंबर आप पा सकते हैं, वह है निबंध। निबंध तो आपके मन की बात होती है, आप जितना चाहें उतना बढ़ा चढ़ा कर उसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि अपने आप निबंध लिखने चलें और उसको आप केवल एक पेज में लिख दें, कम से कम उसको 2 से 2.5 पेज में निबंध को बना के अच्छी राइटिंग में लिखना चाहिए। आप सोचेंगे कि निबंध में क्या आएगा, अरे भाई निबंध जो है आजकल देखिए कोरोना का माहौल बहुत ही ज़बरदस्त फैला हुआ है, तो सबसे बढ़िया निबंध तो आपको कोरोना पे इतना ज़्यादा समझकर जो जो आप देखे हैं वो सारी चीज़ों को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, वो क्या, निबंध वाले प्रश्न जो 9 नंबर का है इसको सबसे लास्ट में करिएगा। लास्ट में इसलिए कह रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा छूट भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को तो सबसे लास्ट में जरूर करिएगा ताकि आप सोच कर बड़े आसानी से कर सकें। अब इसके बाद एक पत्र लेखन का 6 नंबर का आता है, तो पत्र लेखन में कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने जो जिस तरह की जो समस्या के विषय में पत्र लेखन लिखने के लिए कहा जा रहा है उसको पत्र लेखन की तरह से लिख दीजिए, जिसको भी लिखने के लिए कहा जा रहा है। चलिए अब एक ऐसे प्रश्न की बात करने जा रहे हैं जिस प्रश्न में 6 नंबर क्लियर है और लिखना भी बहुत कम है, वह 6 नंबर क्या है, रस छंद अलंकार। देखिए रस छंद अलंकार जो है, रस में आप जानते हैं कि वीर रस करुण रस, इसकी परिभाषा अच्छी तरह से याद कर लीजिए और कोई भी उदाहरण याद कर लीजिए जो आपको आसान लगे उसको लिख दीजिए, तो ये आपको 2-2 नंबर के, 2 नंबर का रस आएगा, 2 नंबर का छंद आएगा और 2 नंबर का अलंकार आएगा। तो आपके सिलेबस में जो अलंकार है, जो रस है और जो छंद है उसकी केवल परिभाषा और उसका उदाहरण याद कर लीजिए, बस इतनी सी बात है। हाँ अगर आपको इस परीक्षा को देने के बाद अगर आपको हमारे इस प्रश्नों से संतुष्टि मिली तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा।